भैया रेड ट्रैप ले लो, मैंने अपने हाथों से लोहे की तारों से बनाया है। मैं पेडलर हूँ, एक रेड ट्रैप बेचने वाला। जब जब मुझे अपने बिजनेस में फायदा नहीं मिलता तो मैं भीख मांग लेता हूँ और चोरी भी कर लेता हूँ। ये कोई नहीं सोच सकता कि एक आवारा घूमने वाले का जीवन कितना उदासी भरा होता है, जो अपने पैर घसीटता हुआ जमीन पर चलता है और अपनी ही सोच में डूबा रहता है। पर एक दिन मैं एक सोच में डूबा था जो बहुत मजेदार थी। मैं रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था। पैडलर, ये सारा संसार, ये दुनिया, ये शहर, ये गांव, ये सागर, सब कुछ एक रेड ट्रैप है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसके अस्तित्व का मतलब हमें लालच देना है और कुछ भी नहीं। जैसे ये दुनिया हमें लालच देती है, अमीरी का लालच, पैसों का लालच, भूख का लालच, खाने का, अच्छे कपड़े का, उसी तरह हम चूहे को लालच देते हैं। इस पिंजरे में हम मांस का टुकड़ा और पनीर का टुकड़ा रख देते हैं और चूहा भागा भागा चला आता है और इसमें फंस जाता है और उसका जीवन खत्म हो जाता है। हमारा भी जीवन इस रेड ट्रैप की तरह है। हम भी फंस जाते हैं और हम भी खत्म हो जाते हैं पैडलर। वास्तव में ये दुनिया मेरे लिए दयावान है ही नहीं, तभी तो मैं इसके बारे में बुरा सोचता हूँ और मुझे इससे खुशी भी मिलती है। हा, हा, हा। जब जब मैं लंबी फेरी वाली यात्रा करता हूँ रेड ट्रैप को बेचने के लिए, मुझे वो ही लोग याद आते हैं जो इस खतरनाक फंदे में फंस गए हैं और जो फंसने वाले हैं। भाई कोई है? अरे कौन है बाहर? रुको थोड़ी देर में आता हूं। कौन हो आप? मैं पेडलर, मैं काफी थक चुका हूं। क्या आज रात आपके घर सो सकता हूं? मैं क्रॉफ्टर हूं, आओ अंदर आओ, मेरे साथ आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे आओ उठो, आप क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, आप आओ बैठो, आराम से बैठो। लगता है आप इस घर में अकेले रहते हो। हाँ मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ, ना तो मेरी पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अक्सर लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, पर आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे खुशी तो होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ अकेला जो रहता हूँ। और सुनो, मैंने दलिये की जो हांडी है वो आग पर रख दी है,
आज रात को हम साथ में खाना करेंगे, तब तक आप ये तमाकू खाओ। लो भैया खाओ। मुझे तंबाकू पसंद है। और सुनो, हम आज रात को साथ में ताश भी खेलेंगे। अच्छा। और तुम्हें पता है, मैं अपने जवानी के दिनों में राम्स जो आयरन वर्क कंपनी में किसान था और मैं वहां पर खेती किया करता था, पर अब मैं मजदूरी नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक गाय है जिसका दूध निकालकर उससे मक्खन निकाल के मैं फैक्ट्री में बेच कर आता हूँ, जिससे मेरे घर का खर्चा बड़ी आसानी से चल जाता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने पिछले महीने ही पूरे 30 कॉर्नर कमाए हैं। पूरे 30? 30 कॉर्नर? जी हाँ। मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, दिखा देता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो भैया, पूरे 30 हैं, पूरे 30। 10-10 के 3 नोट। आप बहुत मेहनती किसान हो। इस बिल्ली के लिए शुक्रिया। क्या हुआ क्रॉफ्टर साहब, बड़ी जल्दी उठ गए आप। अरे मुझे गाय का दूध निकालना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा, चलो फिर तो मैं भी चलता हूँ। आपका रात रुकने के लिए शुक्रिया क्रॉफ्टर साहब। अरे कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। पैडलर, तू कुछ भूल रहा है, क्रॉफ्टर के 30 कॉर्नर। खिड़की का शीशा तोड़ और पैसे लेकर भाग जा। भाग पैडलर भाग, यहां से जल्दी निकल। तू मुझे सड़क से नहीं जंगल से जाना चाहिए। मैं एक ही जगह के बार बार चक्कर लगा रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। पैडलर, इस रेड ट्रैप के चक्कर में मैं भी फंस गया। इस लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया है। इस रेड ट्रैप से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। दिसंबर के दिन है, अंधेरा भी काफी बढ़ चुका है। मैं इस जंगल से कैसे बाहर निकलूंगा। मुझे लगता है मैं इस जंगल में फंस चुका हूँ। मेरा सर चकरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मौत पास है। मैं मर चुका हूँ पैडलर। ये आवाज, इसका मतलब रोड पास में ही है, पास में ही कुछ ना कुछ है, लोग पास में ही है। पैडलर,
ओ भैया आज रात मैं यहाँ पे सो जाऊं। स्टेशन रेस्टोरेंट फैक्ट्री में काम कैसा चल रहा है? आज से रात हमको जहाजों में लोहे को बाहर भेजना है। आयरन मास्टर काम बहुत अच्छा चल रहा है, आज आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से करो जी। और ये कौन लेटा हुआ है? ये कौन आ गया हमारी फैक्ट्री में? नील चलोफ, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? अरे दोस्त घबराओ मत, ये फैक्ट्री मेरी है और मैं तुम्हारा दोस्त आयरन मास्टर। मैंने तो इस बंदे को कभी देखा भी नहीं और ना ही इसे मेरा नाम पता है। अगर ये मुझे अपना जान पहचान का समझ रहा है तो ठीक है, इस बहाने मुझे और करोनर दे देगा, इसलिए इसका वहम दूर नहीं करना चाहिए। ये लो अपनी कैप पहनो और घबराना छोड़ो। मेरे काफी बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान जानता है। वो तो दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से, पर आपकी ही गलती है इसमें। आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था। अगर मैं उससे मैं जॉब कर रहा होता तो आपको रिजाइन नहीं करने देता। खैर छोड़ो, वो तो पुरानी बातें हो गई। चलो आप मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। समझ सकता हूँ दोस्त, आप क्यों नहीं चल रहे। आप अपने कपड़ों की वजह से नहीं चल रहे, आपके कपड़े गंदे दिखते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरी पत्नी एलिजाबेथ कुछ सालों पहले मर चुकी है। मेरे बेटे अब विदेश में रहते हैं, घर पर मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम आ सकते हो मेरे साथ, कपड़ों की कोई चिंता नहीं है। चलो मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। नहीं। अरे दोस्त मना नहीं करते, आज क्रिसमस की रात है, हमारा खाना जल्दी खत्म करने में मदद भी करो। आओ घर चलते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं। अरे आओ चलो ना यार। नहीं मैं नहीं जा सकता आपके साथ। अरे यार क्या करूं अब। स्टर्जनर स्ट्रॉम, लगता है ये आज रात आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे, आपके साथ ही बिस्तर शेयर करेंगे लगता है। मेरे कहने से तो नहीं मान रहे। अंकल। हाँ जी। मेरा नाम एडला है और मुझे अच्छा लग रहा कि आप यहाँ सो रहे हैं, तो आप हमारे घर चलो, मुझे पता है कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं। नहीं नहीं अंकल, आप जिस आजादी से हमारे घर में आओगे हम उसी आजादी से आपको हमारे घर से जाने देंगे। आज क्रिसमस की रात है तो मैं चाहती हूँ कि आप वो रात हमारे घर में बिताएं। अच्छा, ये आयरन मास्टर की बेटी है। अंकल उठो। बच्चे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने यहाँ आने का मेरे लिए कष्ट किया। मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, मैं चलता हूँ आपके साथ। पैडलर, पर तेरे पास तो क्रॉफ्टर के पैसे भी हैं, पर तूने वो पैसे क्यों चुराए? लगता है मैं फंदे में फंस गया हूँ, मैं इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। बेटी, हमें कैप्टन साहब को अच्छा अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा ताकि वो कमजोर ना रहें, सेहतमंद हो जाएं। हाँ जी पापा। और इनके लिए अच्छी सी जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, कब तक ये बेचारे मजबूरी में रेड ट्रैक्स बेचेंगे। हाँ पापा, उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, पर पापा कल रात वो मुझे अनपढ़ इंसान लग रहे थे। सचमुच? हाँ। बच्चे थोड़ा पेशेंस रखो, उन्हें नहा लेने दो, एक बार वो नए कपड़े पहन कर आएंगे ना आपको अलग दिखाई देंगे। कल रात वो डरे हुए थे और ऊपर से उनकी हालत ऐसी थी इसलिए आपको ऐसा लगा। एक बार जब वो अच्छे कपड़े पहन के आएंगे फिर उनके बोलने का लहजा देखना, आपको वो बिल्कुल कैप्टन ही लगेंगे। अरे कौन हो तुम? मैं पेडलर।
ये क्या मतलब हुआ? मुझे तो तुम मेरे दोस्त नहीं लग रहे, मैंने तो तुम्हें कैप्टन समझा था, पर तुम कैप्टन नहीं हो, तुम झूठे हो। बताओ सच सच कौन हो तुम? ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो आपको कहा था मुझे वहां भट्टी के पास सोने दो, और मैंने ये भी कहा था कि मैं तो एक रेड ट्रैप सेलर हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपके ये कपड़े उतार दूंगा और अपने पुराने फटे पुराने कपड़े डाल लूंगा। ये मेरी गलती नहीं है कैप्टन साहब, ये आपकी गलती है। तुम ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ईमानदार हूँ। तुम्हें मानना होगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। बुलाऊं मैं पुलिस को? रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। ओ आयरन मास्टर, ओ आयरन मास्टर, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सारा संसार एक रैट ट्रैप है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे चूहा पनीर के टुकड़े को देखकर, मांस के टुकड़े को देखकर भागा चला आता है और उसमें फंस जाता है, उसी तरह हम महंगे कपड़े, अच्छा घर और अच्छी अच्छे पैसों को देखकर लालच में आ जाते हैं। अभी तो आयरन मास्टर मैं फंस गया, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पर आप भी किसी ना किसी जाल में जरूर फंसोगे और तुम भी लालच का शिकार हो गए और तुम भी फंसोगे आयरन मास्टर, याद रखना। मैंने इतना भी कुछ बुरा नहीं कहा तुमसे। एक काम करो, तुम ये कपड़े भी पहने रखो, मैं दोबारा मेरे यूज के कपड़े पहनता नहीं, और तुम मेरे घर से चलते बनो। मैं आज रात पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा, उन्हें भी क्रिसमस इंजॉय करना है। तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चलते बनो, निकलो मेरे घर से, चलो। ठीक है, चला जाता हूँ मैं। अंकल रुको, पिताजी मैं नहीं चाहती कि वो आज हमारे घर से जाएं, क्योंकि आज क्रिसमस का डे है। अरे बेटी, ये आप क्या कह रहे हो? पिताजी मॉर्निंग में बहुत खुश थी क्योंकि हमने एक गरीब को खाना खिलाया, और मैंने भगवान से प्रार्थना भी की उनके लिए कि आज क्रिसमस का दिन है। अरे बेटी, आपने भगवान से क्या दुआ की? पिताजी मैंने ये दुआ की कि इन जैसे लोगों को कोई अपने घर में नहीं रखता, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक रात हमारे घर में बिताएं। ये सब एक गलती की वजह से हुआ था, हमने इनको खुद बुलाया था। मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। बेटी तुम्हारा उपदेश तो बिल्कुल पादरी के उपदेश के जैसा लग रहा है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। देख लो तुम कहीं कुछ भूल ना कर बैठो इनको बुलाने के चक्कर में। नहीं पिताजी। अंकल आओ बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अंकल खाना खाओ। अच्छा बेटी, खाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अभी चलता हूँ मैं। अंकल आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो हमारी तरफ से क्रिसमस के लिए गिफ्ट ले लो, और आप अगली बार भी हमारे घर पे क्रिसमस मनाने आना, आपको कोई खतरा नहीं है। मैं जरूर आऊँगा। हे भगवान, सबको अच्छा खाना, सेहत और अच्छी जिंदगी देना, मैं आपसे यही दुआ करता हूँ। आयरन मास्टर जी। हाँ भैया बोलिए। अगर आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी है तो आपको एक बात बताऊं? हाँ भैया बताइए। एक रैट ट्रैप सेलर एक किसान के 30 करोड़ रुपए लेकर भाग चुका है। क्या कहा आपने, एक रैट ट्रैप सेलर चोरी करके भागा है? हाँ जी। बेटी देखा, मैंने आपसे बोला था ना, उस रैट ट्रैप को खाना खिलाने के चक्कर में हम अपना नुकसान ना कर बैठे। ऐसा ही होगा, अब हमारे घर की अलमारी से चांदी की चम्मच भी ना मिलेगी। वो हमारे घर से चोरी करके सब कुछ साथ ले गया होगा। चलो घर जाकर देखते हैं। अरे सर्वेंट, वो रैट ट्रैप कहाँ पर है?
मालिक वो तो चला गया। वो अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं गया ना? मालिक लेकर तो कुछ नहीं गया, पर छोड़कर जरूर गया है वो। छोड़कर गया? हाँ जी। क्या? मालकिन के लिए ये एक तोहफा छोड़कर गया है। मेरी गुड़िया के लिए तोहफा? देखना बेटे क्या है इसमें। Honored and noble miss, क्योंकि पूरे दिन आपने मेरे से अच्छा बर्ताव किया, मानो वास्तव में मैं एक कैप्टन था, और बदले में मैं भी आपसे अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ, जैसे वास्तव में मैं एक कैप्टन हूँ। क्रिसमस के इस मौके पर मैं नहीं चाहता किसी चोर की वजह से आपको परेशानी हो, परंतु यह पैसे आप सड़क के किनारे रहने वाले उस बुजुर्ग को लौटा देना, जिसने अपने पैसे चमड़े की थैली में खिड़की की चौखट पर घुमक्कड़ को लालच देने के लिए यह धन लटकाया हुआ था। ये रेड ट्रैप एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है, जो दुनिया के इस रेड ट्रैप में पकड़ा जाता अगर वो कैप्टन के पद पर नहीं पहुंच पाता। मतलब आज से मैं एक कैप्टन हूँ। रिटर्न एंड फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल। पैडलर, ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी चूहे की तरह कैद में ना फंस जाएं। लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।